सीताराम जी, मेरे सभी प्यारे दोस्तों का राम का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम करते हैं अपने गार्डन टूर, देखते हैं कि मेरे गार्डन में कौन कौन से विंटर्स के फ्लावर खिल रहे हैं। और जितने भी मेरे फ्लावर्स हैं जो कि मैंने विंटर्स के लगाए हुए हैं, स्पेशली जो फ्लावर्स होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, और वो जो होते हैं ना एनुअल होते हैं, और वो विंटर्स में कौन कौन से फ्लावर्स खिल रहे हैं तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए सुबह का जो है ना मेरा पारिजात अब जो है ना ख़त्म होने वाला है। और ये जो है विष्णु, ये वैजयंती जो बोलते हैं, वैजयंती नहीं वज्रदंती, हाँ वज्रदंती बोला जाता है, ये फूल भी अब फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया है। और नीलकंठ देखिए, सुबह को नीलकंठ कितना अच्छा खिल रहा है, और मेरे नीलकंठ पे वीडियो है जो कि मैंने शेयर किया है कि किस तरीके से आपके जो गमले में लगे हुए नीलकंठ है ना वो बहुत अच्छे से खिलते हैं। और देखिए आज मैंने गमले में ना छोटे छोटे सकर्स निकल रहे थे मेरे क्रिसैंथेमम से, उनको मैंने इधर जो है ना रिपोर्ट करके रख दिया हुआ है। तो छोटे छोटे जो सकर्स है ना उनको आप निकाल के, क्योंकि उनमें रूटिंग होती है और ये जो है ना इनमें कैपेबिलिटी होती है बहुत अच्छे प्लांट बनने की, बहुत हेल्दी प्लांट होने की। तो सकर्स जो है ना आपके प्लांट जल्दी तैयार हो जाते हैं, कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं, बट सकर्स जो है ना जैसे कि आपने नर्सरी से लेके आ गया और उसमें छोटे छोटे साइज से सकर्स निकल रहे हैं तो ये ना आपके फ्लावर के साइज़ को छोटे करते हैं। तो इनको आप निकाल के ना इस तरीके से छोटे छोटे ना लगा दीजिए तो आपके ना एक नए प्लांट तैयार हो जाते हैं और ये जो प्लांट है ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो चलिए देख सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्रिसैंथेमम से ही फ्रेंड्स। तो ये देखिए क्रिसैंथेमम जो है ना अब जो है ना इसके फ्लावर्स जो है ना खिलने वाले हैं। तो ये देखिए, ये देख के हमको पता चल रहा है कि ये पर्पल वाले क्रिसैंथेमम है। और देखिए इसको मैंने ना छोटे छोटे डब्बों में लगाया हुआ है, कुछ मतलब सारे क्रिसैंथेमम में ना अब फ्लावरिंग हो गया है, फ्लावर्स जो है ना अब जो बड है जो है ना बडिंग हो गया है और वो ना बड अब जब खिलने वाले हैं। और बड की साइज़ बहुत अच्छी है, छोटे छोटे गमलों में मैंने लगाया हुआ है। देखिए ये वाला जो है ना इसमें अभी बडिंग नहीं हुई क्योंकि मैंने बहुत लास्ट में लगाया था और ये मैंने इसी सकर से ही लगाया था। ये देखिए इसको भी मैंने पिंजिंग कर दिया तो कितना सुंदर जो है ना ये घना हो गया है। और जितने भी मेरे क्रिसैंथेमम हैं वो खिलना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। और आपके क्रिसैंथेमम है ना इस तरीके से ना आप उसमें ना अब ये जो स्टिक जो है ना लगा दीजिए, स्टिक को रस्सी से यूँ सपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि अब जो आपकी जब फ्लावर खिलेगी ना तो वो ना ऐसे झुक जाएगी, लरक जाएगी, मतलब क्योंकि जो फ्लावर का साइज हैवी हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर दिख रहे हैं कितना सारा जो इसमें जो है ना कलियाँ बनी हुई हैं। तो जब फ्लावर खिलेगा ना तो इस प्लांट को है, क्योंकि स्टेम जो है ब्रांचेस जो है पतली पतली होती हैं और इन फ्लावर की वेट से ना आपकी जो है ना फ्लावर जो है ना वो पौधे जो है ना ब्रांचेस से वो गिर जाएगी, तो गिरे ना, टिल्ट ना हो, इसके लिए इस तरीके से आप जो है ना लास्ट में अब जो है टाइम आ गया है कि आप उसमें ऐसे स्टिक लगा दीजिए, बांस की स्टिक आती है या फिर कोई भी आप पौधे की ना सीधी सीधी लकड़ी लेके ट्विंग लेके, जैसे कि बी का हो गया मैंने वैसे भी लगाया हुआ है। और आप इस तरीके से जो है ना उसको ना आप सपोर्ट दे दीजिए रस्सी के सहारे से, और ये ना बंचेस दिखेंगी ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। और ये मेरा जो है ना सिंगल पेटल का हाइब्रिड वाला है जो कि बहुत ज़्यादा खिलता है, 1000 नंबर्स में खिलता है और ब्रांचेस की तरह दिखता है। और जितने भी छोटे छोटे जो गमले थे ना उसमें भी कैलेंचो में भी अपना थोड़ी थोड़ी जो है ना कलियाँ बनने लग गई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, ये देखिए जो कैलेंचो है ना इसमें भी अब कलियाँ बनने लगी है, देसी वाली है। और ये देखिए छोटी छोटी सी जो है ना आपको कलियाँ जो है ना छोटी छोटी सी कलियाँ दिखने लग गई है। और देखिए इस ये जो है ना हाइब्रिड वाले में मैंने देखी फर्स्ट टाइम ये ना आज ही आपके सामने वीडियो बनाते बनाते देखा कि इसमें इन्फेस्टेशन हो गया है मिली बग्स का। ये देखिए तो अभी जो है ना मौसम है ना बद्री किया है, तो बद्री में ना ये सब जो है ना प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो ये देखिए ये सारी कैलेंचो जो है ना मैंने कटिंग से बनाई हुई है, और ये देखिए कटिंग से कितनी अच्छी चल रही है। इसमें ना तीन मैंने लगा दिया है, और ये इसमें सिंगल है जो कि मदर प्लांट है, और ये देसी वाली है। और देसी वाली में देखिए बड बनना अब चालू हो गया है, तो आप धूप में रखेंगे ना तो आपके जितने कैलेंचो है ना उसमें बड बनना चालू हो जाएगा। और ये देखिए जितने क्रिसैंथेमम हैं सब में जो है ना अब बडिंग बहुत अच्छे से हो गई है। देखिए और ये देखिए ये ना मेरे को लगता है कल भर में खिल जाएगा। तो ये जितने भी क्रिसैंथेमम हैं कैलेंचो हैं उसमें बडिंग होती जा रही है। और उसी के साथ फ्रेंड्स ये देखिए ये हॉली हॉक का प्लांट है मेरा, हॉली हॉक जो कि मैंने विंटर्स में, तो मैंने हॉली हॉक के बहुत सारे सीड डाले थे और हॉली हॉक में ना बस एक ही जो है ना हॉली हॉक का प्लांट जो है लग गया। और इस तरीके से मैंने ग्रो बैग्स में भी क्रिसैंथेमम हर जगह ग्रो कर दिया है। तो इस साल मैंने क्रिसैंथेमम ज़्यादा लगाया हुआ है और सनफ्लावर जो है ना वो थोड़े कम लगाए हैं। तो हॉली हॉक जो है ना उसका भी सीज़न आ गया है, तो आपके पास उसकी सीड है तो ये बहुत आसानी से सीड के थ्रू लग जाती है और ये ना आपके गार्डन में बहुत सुंदर ना चार चांद लगा देता है। फ्रेंड देखिए इस तरीके से जितने भी सकर्स हैं ना उनको मैं निकाल के इस तरीके से ये जो है ना हमारे जो सीडलिंग ट्रे होते हैं उसमें लगा दिया हुआ है। और ये देखिए ये जितने भी वैरायटी के मेरे
विंका है जो कि अभी विंटर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, वो भी मैंने लगाया हुआ है। तो ये जो है ना अभी एक सप्ताह हो जाएंगे तो इनको निकाल के थोड़े और बड़े हो जाएंगे। जैसे ये ना अब निकालने की टाइम आ गया है, और ये देखिए इसमें अगर पिंचिंग कर देंगे तो मैंने इसको कलर अभी मैं पिंचिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं पहले फर्स्ट टाइम मैं कलर देखती हूँ। तो ये जो है ना वाइट वाला हाइब्रिड वाइट है जिसके सेंटर में पिंक है, और ये शायद रेड है और ये पिंक है, तो इन दोनों का कलर पता चल गया। और इसका अगर मेरा कलर कन्फर्म हो जाएगा, इसमें भी देखिए कलियाँ बनना स्टार्ट हो गया, कलर कन्फर्म हो जाएगा तो इसमें मैं पिंचिंग करके फिर इनको मैं लगा दूँगी। और अगर देसी होगा, क्योंकि देसी मेरे पास बहुत है, तो मैं उखाड़ के उनको हटा दूँगी। इसी तरीके से ये सारे सीड्स जो है ना, ये विंका के जो है ना मैंने लगाए थे, उसके साथ मैंने एनुअल क्रिसैंथेमम के सीडलिंग किए थे। तो ये देखिए ये भी थोड़े से और बड़े हो जाएं तो इनको मैं ऐसी सीडलिंग ट्रे से निकाल के लगा दूंगी। साथ में ये देखिए ये है कॉस्मोस का सीडलिंग मैंने किए थे, तो कॉस्मोस तो बहुत सारे उग गए हैं। देखिए इधर मैं आपको बताऊँ तो कॉस्मोस जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे इसके कॉस्मोस के पौधे, ये ना तुलसी का पौधा था जो कि मैंने गमले से निकाल के इसमें लगाया हुआ था, तो इसमें ना बहुत सारे कॉस्मोस उगे हैं। साथ में ये देखिए तुलसी भी उगा है, कपूर तुलसी जिसे बेजिल बोला जाता है वो भी उगा है। तो इस तरीके से सीडलिंग ट्रेन में ना मैंने मैं अपने विंटर्स के ना सीड तैयार करी हूँ। और ये देखिए कॉक्सकॉम जो है ना बहुत सुंदर जो है ना छोटे छोटे खिलते हैं, और इनको भी आप छोटे छोटे गमले में ना आप प्लेस दे सकते हैं। साथ में ये है ये जो है ना एलमेंडा की मैंने छोटी छोटी कटिंग लगा दी हुई है क्योंकि मैं प्रूनिंग कर रही थी, उसमें कली आ रही थी, ब्रांचेस टूट गई थी। और साथ में ये मैंने लगाया हुआ है बोगनवेलिया, जो बोगनवेलिया भी मेरा बहुत अच्छा खिल रहा है। तो इस तरीके से ना आप ना जितने भी आपके क्रिसैंथेमम हैं उनको आप लगा सकते हैं, उसकी जो सकर्स आप खरीद के ला रहे हो छोटे छोटे साइज से सकर्स निकल रहे हैं, तो उनको आप इस तरीके से ट्रे दे दीजिए। जब अच्छी रूटिंग हो जाए आप देख लीजिए, एक दो सप्ताह में ना ये अपनी ग्रोथ जब ले लेती है ना प्लांट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ना लग गई है और इनकी रूटिंग अच्छी हो गई है। तो फिर आप ना उनको फिर निकाल के आप दूसरा पॉट दे दीजिए। और फ्रेंड जितने भी मैंने मैरीगोल्ड लगाए थे वो भी अब जो है ना फ्लावरिंग पे आ गई है, तो ये देखिए कितना अच्छा जो है ना, और इनको मैंने ऐसे ग्रो बैग में ये सारी ना कटिंग से ही लगी थी, तो ये देखिए कितना अच्छा जो है ना मेरे जो गेंदा है जिनको आप जाफरी गेंदा बोलते हैं और चांदनी गेंदा बोला जाता है, कितनी अच्छी जो है ना फ्लावरिंग करना चालू कर दिया है। तो इस तरीके से ना ये मेरी सारी जो गार्डनिंग है ना फ्रेंड्स, ये फ्री की गार्डनिंग है, ये मैं कुछ खरीद के नहीं लाई हूँ। मैं जब पार्क जाती हूँ तो वहाँ से सीड कलेक्ट कर लेती हूँ और अपने घर में ला के दे देती हूँ। और इस तरीके से देखिए सारे मेरे गमले जो है ना अभी क्या बोलते हैं जीनिया बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और उधर आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं इधर फ्रेंड्स देखिए जो मेरे जीनिया की छोटी छोटी जो है ना सैपलिंग्स रेडी हो रही है। देखिए छोटी छोटी सैपलिंग जो है ना फूल तोड़ के मैं इसी में डाल देती हूँ, तो ये जो है ना सैपलिंग्स मेरी छोटी छोटी जो है ना जीनिया की वो रेडी हो रही है। थोड़ी दिन के बाद ना अभी पॉट की कमी है, इनको मैं अलग अलग सेपरेट पॉट्स दे दूँगी। फ्रेंड साथ में देखिए जितने भी मेरे बोगनवेलिया थे बहुत अच्छी जो है ना फ्लावरिंग पे आ गई है, तो सालों भर जो है ना बोगनवेलिया तो आपको लगाना चाहिए, सालों भर जो है ना फ्लावरिंग पे आती है। और ये देखिए स्नो वाइट जो है ना कितना अच्छा लगता है ये वाला जो है, तो इसका कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था तो मैंने इसको पूरा प्रूनिंग कर दिया था, तो देखिए अब कितना अच्छा खिल रहा है। और ये देखिए ये पिंक वाला है जो कि मैंने दो लगाया है, और ये ऑरेंज वाला है जिसकी प्लांट मेरा कम है, मगर सबसे पहला जो प्लांट यही था और बहुत सुंदर जो है ना ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है ना मेरा अभी गार्डन का जो है ये व्यू है, और साथ में ये देखिए उधर जो है ना सेम लगा हुआ है, और अभी ना सूरज भगवान जो है ना बदरी छाया हुआ है तो सूरज भगवान निकले हुए, तो ये मेरा गार्डन का व्यू है आपको दिखा दूँगा। सारे फूल ना बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, और जीनिया जो है ना उनको मेरे को अभी ना थोड़ा थोड़ा जो है ना सूखे फूल हैं उनको हटा देना है। और देखिए साथ में टमाटर दिख रहे हैं, और एक दिन मैं आपको बहुत अच्छे से ना गार्डन टूर अपना कराऊंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए थैंक यू, बाय।